नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स RACIT के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप अपना ऑनलाइन आवेदन कैसे फिल कर पाओगे, स्टेप टू स्टेप आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको शिक्षा व सरकारी भर्ती से जुड़ी सभी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, myrkcl.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आप क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां पर आने के बाद में आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर देख लीजिए कि आपको यहां पर कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिखाई दे रहे हैं। इन लिंक पर आप क्लिक करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। आगे आने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए, आपके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15/1/2022 है। तो आपको 15/1/2022 से पहले आपको यहाँ पर आवेदन करना है। आपके भरे गए फॉर्म की प्रिंट आप यहां से प्राप्त कर सकते हो। भरे गए आवेदन पत्र की प्रति यहां से डाउनलोड करें। इसके बारे में आपको फॉर्म फिल करने के बाद में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, जो भी आवेदक है उसके मोबाइल नंबर आपको यहां पर फिल करना है। यहां पर आपको कैप्चा दिया हुआ है, वो कैप्चा आपको यहां पर फिल करना है और आपको यहां पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर क्या करना है, ओटीपी वेरीफाई करनी है। तो यहां पर मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ लाइव। अब यहाँ पर मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ से ओटीपी सेंड कर दी गई है मेरे मोबाइल पर। तो यहाँ पर मुझे ओटीपी वेरीफाई करनी होगी, तो यहाँ पर मैं ओटीपी वेरीफाई कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसके अंदर जितने भी कोर्स है, जितने भी पाठ्यक्रम है, उसके नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि RACIT, RACFA और RSCSEP। आपको जिस कोर्स में भी अप्लाई करना है उसकी योग्यता आपको यहाँ से चेक कर लेनी, आयु क्या है और प्रशिक्षण अवधि क्या है, और आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। इसमें आप 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते, 10th की मार्कशीट चाहिए होगी। आयु प्रमाण पत्र में आप अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, एक आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अपनी श्रेणी या वर्ग का प्रमाण पत्र। ये आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि इसकी PDF JPG फाइल में आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। अब आगे वीडियो शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ लिंक दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको RACIT कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। इसकी योग्यता आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आयु और प्रशिक्षण अवधि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसी प्रकार RSCFA कोर्स के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा अप्लाई ऑनलाइन पे। उसकी योग्यता आपको यहाँ पर दिखाई देगी, योग्यता बाई पास। इसी तरह से आपको अपनी योग्यता देख लेनी है और आपको डॉक्यूमेंट्स पहले कंप्लीट रख लेने हैं, फिर बाद में आपको उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना, जिसे मैं आपको RACIT का अप्लाई करके बता रहा हूँ। इस लिंक पर क्लिक करने के लिए आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आप अपना सेंटर लेना चाहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपकी कोर्स करना चाहते हो, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। वो डिस्ट्रिक्ट आपको इस तरह सेलेक्ट कर लेनी है। ब्लॉक आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिस ब्लॉक से आप अप्लाई करना चाहते हो वो ब्लॉक आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब आप कौन आपको यहाँ पर दो सेंटर आपको यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे कि आप कौन कौन से सेंटर से आप अप्लाई करना चाहते हो, ये RACIT का कोर्स आप कौन से सेंटर से करना चाहते हो। तो वो सेंटर की लिस्ट आपके यहाँ पर आपको सिलेक्ट सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट में आपको डाल देना, किससे आप करना चाहते हो वो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड सेंटर आपको चूज कर लेना है कि यदि आपका सेंटर में आपको आवेदन नहीं आया या फॉर्म में नंबर नहीं आया तो आप सेकंड कौन सा रखना चाहते हो वो आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपका फॉर्म इस तरह से आपको खुल जाएगा। यहाँ पर खुलने के बाद में यहाँ पर देख लीजिएगी, आपका सेंटर का नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा और आपके सेंटर के जो भी आवेदन कॉन्टैक्ट नंबर है उसके संचालक की, वो कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और उसका सेंटर का आपका एड्रेस आपको यहाँ पूरा यहाँ पर दिखाई देगा। उसी प्रकार सेकेंड परफॉर्मेंस आपने जिस सेंटर का रखा था उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वहाँ के संचालक के आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई देंगे, आप फोन करके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यहाँ पर एड्रेस उनका दिखाई देगा, आप डायरेक्ट सेंटर पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर एप्लीकेंट की डिटेल फिल करनी होगी। एप्लीकेंट की डिटेल में आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ एप्लीकेंट का नाम फिल करना होगा, आवेदक का नाम फिल करना होगा, वो भी आपकी 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम फिल करना होगा, यहाँ पर आवेदक की माता का नाम फिल करना होगा और यहाँ पर आगे क्या करना होगा, आपको आवेदक की DOB आपको यहाँ से ले लेनी है। जो भी DOB हो आवेदक की आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ।
जो भी ड्यू भी आप अभी देखिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जेंडर आपको फीमेल ही रहेगा। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में आपका मैरिड जो मैरिड स्टेटस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिंगल मैरिड डिवोर्सेस विधवा जो भी हो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में आप एग्जाम किस माध्यम से देना चाहते हो। यदि आप एग्जाम इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हो तो आपको इस पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है। यदि आप हिंदी माध्यम से देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आगे देख लीजिए कि फिजिकल चले जाए, यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर रहने देना है। नीचे आ जाना है, आपको यहाँ पर देख लीजिए कि फीमेल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी। यदि आप ग्रेजुएशन ग्रेजुएट और आंगनबाड़ी वर्कर है तो आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा। यदि आप आंगनबाड़ी के अंदर 7 दिन पर कार्य करते हो तो आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा, अन्यथा आपको यहाँ पर अदर के चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। अदर के चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद में नीचे आपको यहाँ पर देख लेना है कि वीटनेस ऑफ वेंसेंस, यदि आप इसमें यस और आपके अकॉर्डिंग आपको यस और नो करना पड़ेगा। नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद में आप आइडेंटिटी प्रूफ आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको यहाँ इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको नीचे अपलोड भी करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर पैन कार्ड भी चूज कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड भी चूज कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी चूज कर सकते हो, आपकी स्कूल की आईडी कार्ड चूज कर सकते हो, कॉलेज आईडी कार्ड चूज कर सकते हो, यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी कार्ड कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और अपने आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर नीचे फिल कर देने हैं। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर फिल कर देने हैं। आगे आपको अपने जनरल आधार कार्ड नंबर फिल कर देने हैं। यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो ये दे भी सकते हो या अपने इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। एड्रेस आपको यहाँ पर कैसे फिल कर लेना है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने विलेज पॉइंट जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी तहसील आपके ब्लॉक का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। जो भी आपकी तहसील है उसका नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तहसील का नाम के बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट जो भी हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो भी लगती है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपके इस तरह से आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, अपने एरिया के पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। आपके एरिया के पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर शो जाएंगे और नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। फिर नीचे ये सभी डिटेल कंप्लीट करने के बाद में आपकी असेंबली जो भी हो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। असेंबली सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि आप किस एरिया से संपर्क करते हो। यहाँ पर देख लीजिए, आप यदि अर्बन से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर शहर से आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर अर्बन पर क्लिक करना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर रूरल के चेकबॉक्स पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिए आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से आपको बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो वो कास्ट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आगे आना है आपको, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, यदि आप माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, आपका रिलीजन आपका धर्म आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप हिंदू मुस्लिम जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो वो धर्म आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। फिर नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद में आपकी टेंथ पास की आपकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर दे लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल 10th क्लास, तो 10th क्लास की डिटेल फिल करना आपको यहाँ पर कंपलसरी है। यहाँ पर नीचे देख लीजिए, सिलेक्ट द टाइप ऑफ स्कूल ऑफ पासिंग 10th क्लास, तो आप गवर्नमेंट आपने सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपने 10th क्लास गवर्नमेंट स्कूल से पास की है या प्राइवेट स्कूल से पास की है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद में आपने कौन से बोर्ड से गवर्नमेंट क्लास पास, ये 10th क्लास पास की वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। IBSE से किए या CBSE से किए या अदर स्टेट बोर्ड से किए या राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से किए, वो आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपकी जो रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। 10th क्लास में आपके क्या परसेंटेज थे वो परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। परसेंटेज फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर कौन से डिवीजन से आपने 10th क्लास पास की है वो डिवीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आ जाना है, कौन से ईयर में आपने 10th क्लास पास की है वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन से ईयर में पास की है। मंथ तो पास और कौन से मंथ में आपने पास की है, ये मंथ आपको आपकी 10th क्लास के मार्कशीट के ऊपर नीचे के अंदर एक कॉर्नर में दिखाई देगा। वहाँ पर आपको दिनांक ईयर और मंथ सभी कंप्लीट वहाँ पर मिल जाएंगे, वो आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यदि आपने ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल, यदि आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आपको यहाँ पर यस करना है और यस करने के बाद में उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। जैसे आपने यस बॉक्स पर क्लिक किया तो आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा और आपकी अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया तो आपको यहाँ पर नो के चेकबॉक्स पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। नीचे आ जाना, नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपकी यहाँ पर फोटो अपलोड करनी होगी। फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपकी फोटो यहाँ पर आपको 3 से 5 KB के अंदर आपको अपलोड करनी है, जिसकी साइज आपकी क्या होनी चाहिए, JPG।
जिसकी साइज आपकी जेपीजी के अंदर होनी चाहिए। फोटो की साइज आपकी 3 से 5 के बी के बीच में होनी चाहिए और फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, जेपीजी के अंदर रहना चाहिए। उसी प्रकार आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपकी जो सिग्नेचर की साइज होगी वो 1 से 3 के बी के बीच में होगी, उसका फॉर्मेट भी क्या रहने वाला है, जेपीजी में रहने वाला है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद में आपकी फोटो जहाँ पर भी है सेव है वहाँ से आपको अपनी फोटो अपलोड कर लेनी है। इस तरह से आपको फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे फोटो की जो मैंने अपलोड की है उसकी साइज ज़्यादा थी, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, इमेज साइज शुड बी लेस ऑफ इक्वल 5 KB। तो आपकी इमेज की जो साइज होगी वो 5 KB से नीचे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और 5 KB के बराबर हो सकती है लेकिन उससे ऊपर नहीं हो सकती है। तो मैं इसकी फोटो को रिसाइज कर लेता हूँ और रिसाइज करने के बाद में मैं दोबारा से अप्लाई करता हूँ। तो मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर भी फोटो सेव है वहाँ से आपको क्लिक कर लेना है और आपकी फोटो यहाँ से इस तरह से आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद में आप में देख लीजिए कि यहाँ पर मेरी फोटो अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद में आपको क्या करना होगा, चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद में इसी प्रकार से आपके सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं। अपलोड करने के बाद में अपलोड फोटो और सिग्नेचर पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अपलोड फोटो और सिग्नेचर पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आपको अटैच क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ आपको यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। अब आपको क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पर देख लीजिए कि अटैच मिनिमम एजुकेशन, तो आपकी मिनिमम जो एजुकेशन की जो मार्कशीट होगी जैसे कि 10th मार्क्स, आपके यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, 10th पास की गई है, तो आपकी 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। आपकी मार्कशीट अपलोड करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए उसकी साइज क्या रहने वाली है, 50 से 100 KB आपको अपनी जो भी 10th की मार्कशीट की वो स्कैन करोगे तो उसकी साइज आपकी 50 से 100 KB के बीच में रखनी है। उसका फॉर्मेट आपका जेपीजी में हो सकता है, पीएनजी में हो सकता है। उसको अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चूज फाइल पर अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर अपलोड करने के बाद में जहाँ पर भी वो सेव है वहाँ से आपको क्लिक करके उसको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद में सेकंड आप देख लीजिए कि जो ऑप्शन आपने लिया था प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर, अटैच प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर आपने जो लिया था वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके अंदर आप क्या क्या इसके अंदर आप रेसिपी अपलोड कर सकते हो, 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो, गवर्नमेंट आईडी का, उसकी भी शायद आपकी 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट रहना चाहिए। नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद देख लेते हैं कि और क्या क्या है इसके अंदर। अपलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पर चूसे सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर अटैच प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपको क्या क्या इसमें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। नीचे आ जाने के बाद में आपका आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करने के बाद में अटैच आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अटैच आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको कॉलेज आई डी कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर नीचे आपको यहाँ पर देख लीजिए अटैच कास्ट प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं और इन सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की फॉर्मेट क्या रहेगा, आपका जेपीजी फॉर्मेट रहेगा और साइज आपकी 50 से 100 KB के बीच में रहने वाली है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट में आपने 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, यहाँ पर प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको कॉलेज आईडी कार्ड या स्कूल आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी हो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। नीचे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यहाँ पर एस सी एस टी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ओबीसी को यहाँ को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, उसी प्रकार अपने हिसाब से देख लेना। आपको यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करनी पड़ेगी, यहाँ पर ऊपर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। ये सभी सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको क्या करना होगा, डिक्लेरेशन, कुछ डिक्लेरेशन दिए गए हैं यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको वैलिडेट पर क्लिक कर आपकी एक इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर वैलिड नीचे आ जाना है, वैलिड डेट पर आपको क्लिक कर देना है। वैलिड डेट पर क्लिक करने के बाद में जैसे आप वैलिड डेट पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे, उसके ऊपर आपके एप्लीकेशन नंबर फिल हो जाएंगे और आपका जो भी सेंटर है उसकी डिटेल आपके यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर वैलिड डेट पर क्लिक करने के बाद में आपको इसकी फॉर्म की प्रिंटआउट लेनी होगी। आप इस फॉर्म की प्रिंटआउट कैसे ले पाओगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस आपको यहाँ पर होम पेज पर आ जाना है। तो आपको यहाँ से बैक हो जाना है। ब्रेक आने के बाद में आपकी फॉर्म की प्रिंट आउट लेने के लिए या फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ब्रेक है और आवेदन पत्र की प्रति यहाँ से डाउनलोड करें, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको फॉर्म की प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए।
तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे आपके जो एप्लीकेशन नंबर फिल आएंगे वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर फिल कर देना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। यदि आप एप्लीकेशन नंबर किसी कारण से भूल जाते हो या आपका एप्लीकेशन नंबर मैसेज डिलीट हो जाता है तो आपको क्या करना है कि आपका जो नाम है आवेदक का जो नाम है वो यहाँ पर फिल कर देना है, आवेदक के पिता का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर देनी है और डाउनलोड पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म की प्रति यहाँ से डाउनलोड जाएगी, उसकी आप आसान से प्रिंट आउट ले सकते हो और अपने सेंटर पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो आज मुझे आपको यही छोटी सी अपडेट और छोटी सी जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इस तरह की सभी अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।